नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की नई नवेली राजनीतिक पार्टी पर इस समय एक बार फिर से सिंबल को लेकर के प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपको बता दें कि जब जेजेपी जीत चुनाव लड़ा था तो उस समय जेजेपी के पास सिंबल के तौर पे कप प्लेट था, लेकिन इसके बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो उसमें सिंबल के तौर पर उन्हें चप्पल का निशान दिया गया था। चुनाव में उनकी पार्टी का कमीशन चुनाव कमीशन में रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्हें स्थायी तौर पर चप्पल का निशान दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव कमीशन के नियम के अनुसार अगर उनका कोई उम्मीदवार जीत गया है तो उन्हें 6% वोट अगर उसको मान्यता देने के लिए चाहिए, और अगर उनका उम्मीदवार नहीं जीता तो उन्हें 8% वोट मान्यता के लिए चाहिए ताकि उन्हें सिंबल दिया जा सके। मगर जेजेपी इतने वोट नहीं ले सकी, इसलिए विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से मान्यता के लिए सिंबल के लिए आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन इस संबंध में जेजेपी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। हम एक रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास, जहां रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की बात है। हमें अगर हमारा कोई सांसद ना जीतता तो शायद 8% वोट लेने पड़ते, और कोई एमपी जीतता तो 6% वोट लेने पड़ते, बिल्कुल, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। हम वो 6% का आंकड़ा नहीं पार कर पाए और दोबारा हमें इलेक्शन कमीशन में सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा। मगर जहाँ मान्यता की बात है, कोई हमारी मान्यता नहीं छीन सकता। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेकर आई हुई है और चुनाव भी लड़ती हैं, मगर कभी वो आंकड़ा अचीव नहीं कर पाए। हमारा तो सौभाग्य है कि हमने 6 महीने में एक आम चुनाव लड़ा और 6 महीने के अंदर अपने संगठन को आज इस मजबूती पे पहुंचाया कि हम प्रदेश के अंदर लगभग 6% वोट शेयर लेंगे। और हाँ, काम करने की और ज़रूरत है, और हमारा टारगेट है कि अगले 100 दिनों के अंदर हम बूथ तक अपने संगठन को